Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Infotainment. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही पॉपुलर टीवी प्रोडक्शन कंपनी स्वास्तिक प्रोडक्शंस की। इस कंपनी को 2007 में सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने एस्टेब्लिश किया था, जिनका फर्स्ट शो था सोनी टीवी का अंबर धरा, जिसके बाद बैक टू बैक इन्होंने कई सीरियल्स बनाए। जहाँ स्वास्तिक पिक्चर की खासियत रही है कि इन्होंने नॉर्मल फैमिली ड्रामा से लेकर हाई बजट हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल शोज प्रोड्यूस किए हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट वन में हम बात करेंगे स्वास्तिक की नॉन माइथोलॉजिकल सीरियल्स यानी कि नॉर्मल फैमिली ड्रामास एंड रोमांटिक सीरियल्स की। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको स्वास्तिक पिक्चर द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉप 15 नॉर्मल फैमिली ड्रामास एंड रोमांटिक सीरियल्स की रैंकिंग्स। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 15 से, जहाँ सोनी टीवी का सीरियल मान रहे तेरा पिता, जो कि एक फादर एंड डॉटर की प्यारे से बॉन्ड पर बेस था। इस सीरियल के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंड हार्ट वार्मिंग हुआ करते थे और इसके कुल 50 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ते रैंक नंबर 14 की ओर, जहाँ कलर्स का सीरियल तंत्र, जो कि एक सुपर नेचुरल ड्रामा था, जिसमें हम देखते हैं कैसे एक फैमिली ब्लैक मैजिक का शिकार होती है और कैसे उस घर की बेटी नियति अपनी फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकालती है। ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड थ्रिलर से भरा हुआ होता था। इसके कुल 91 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 13 की तरफ, जहाँ 2023 में लॉन्च हुआ सोनी टीवी का सीरियल हम रहे ना रहे हम। ये रॉयल फैमिली ड्रामा था, जिसमें हमें रनकगढ़ के एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल प्रिंस शिवेंद्र और मुंबई की एक फ्री स्पिरिटेड कॉन्फिडेंट मिडिल क्लास लड़की सुरीली की लव स्टोरी दिखाई गई थी। इसके टोटल 120 एपिसोड्स आए थे। वेल दोस्तों, आप जिक्र करेंगे रैंक नंबर 12 की, जहाँ 2023 में लॉन्च हुआ स्टार भारत का धीरे धीरे से सीरियल, जो कि एक मैच्योर लव स्टोरी थी एक वीडो भावना और एक मिडिल एज मैन राघव की, जहाँ हम देखते हैं भावना कैसे अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करती है और कैसे अपने आप को प्यार में सेकेंड चांस देती है। इस ब्यूटीफुल शो के टोटल 164 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 11 पर, जहाँ 2023 के एंड में लॉन्च हुआ कलर्स का चाँद जलने लगा, जो कि एक इंटेंस लव स्टोरी थी बचपन के दोस्त तारा और देवा के बीच की, जो एक गलत फहमी की वजह से दुश्मन बन जाते हैं और फिर वापस एक होते हैं। इस रोमांटिक ड्रामा के टोटल 82 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो अब हम मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 10 की ओर, जहाँ 2015 में आया स्टार प्लस का सीरियल दोस्ती यारिया मनमर्जिया, जिसकी कहानी बेस थी चार इंडिविजुअल्स राधिका, समायरा, अर्जुन और नील के इर्द गिर्द, जिनकी फ्रेंडशिप, कैरियर और लव लाइफ के स्ट्रगल्स को बखूबी शो में दिखाया गया था। इस यूथ ओरिएंटेड शो के कुल 118 एपिसोड्स लॉन्च हुए थे। तो दोस्तों, अब जिक्र करने वाले हैं रैंक नंबर 9 के बारे में, जहाँ है साल 2013 में आया सोनी टीवी का शो अमिता का अमित, जिसकी कहानी दो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर की चाह रखने वालों पर बेस्ड थी और कैसे लाइफ इन दोनों को मिलाती है और इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। इस शो के टोटल 200 प्लस एपिसोड्स ऑन एयर किए गए थे। वेल दोस्तों, अब चलेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ 2007 में लॉन्च हुआ स्वास्तिक का फर्स्ट सीरियल अंबर धरा, जिसकी कहानी जन्म से जुड़ी हुई दो बहनें अंबर और धरा पर बेस्ड थी। जहाँ हम देखते हैं कैसे जुड़ी हुई बहनें अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स और हर्डल्स को ओवरकम करती है। इस इंस्पायरिंग सीरियल के टोटल 124 एपिसोड्स प्रीमियर हुए थे। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 7 के बारे में, जहाँ 2014 में आया जी टीवी का सीरियल बंधन, जिसमें हमें भाई बहन की एक अनोखी सी जोड़ी देखने को मिली, जहाँ 10 साल की दर्पण और उसका मुंह बोला भाई, जो कि एक जानवर यानी कि एक हाथी है, जिनके बीच रियल भाई बहन के जैसा एक दूजे के लिए बेसुमार प्यार होता है। इस ब्यूटीफुल सीरियल के टोटल 161 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ साल 2015 में प्रीमियर हुआ एन टीवी का सीरियल बेगूसराय, जिसकी कहानी बिहार की पृष्ठभूमि पर सेट की गई थी, जिसमें हम देखते एक पढ़ाकू और सिंपल सी लड़की पूनम और एक दबंग और गुस्सेल लड़के लाखन की प्रेम कहानी को। वेल, बेगूसराय में लाखन और पूनम यानी कि विशाल आदित्य सिंह और शिवांगी जोशी की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था, जहाँ इस सुपरहिट लव स्टोरी को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये टोटल 346 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर हुआ था। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 5 की तरफ, जहाँ 2011 में आया कलर्स का सीरियल फुलवा, जो कि मध्य प्रदेश के चंबल की पृष्ठभूमि पर बना था, जिसकी स्टोरी में हम देखते खुश मिजाज प्यारी सी बच्ची फुलवा का एक दबंग निडर महिला फुलन बनने का सफर। इस हिट शो के टोटल 277 एपिसोड प्रसारित हुए थे।
तो दोस्तों आप बात करेंगे रैंक नंबर 4 की, जहां सब टीवी का करेंटली रनिंग शो वंसज, जिसकी कहानी में हम देख रहे एक टैलेंटेड यंग इंडिपेंडेंट वुमेन युविका को, जो अपनी फैमिली को ये साबित करने के लिए कि वो भी फैमिली बिजनेस को हैंडल कर सकती है, उसके लिए हर चुनौतियों का सामना करती है और अपने इगोइस्टिक कजिन दिग्विजय की हर चालों का मुंह तोड़ जवाब देती है। वेल दोस्तों, फिलहाल वंसज काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी मिल रही है। अर्ली स्लॉट और लेट नाइट स्लॉट में ये काफ़ी डिसेंट टीआरपी ला रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर सब टीवी सीरियल्स। इस इंटरेस्टिंग शो के अभी तक 264 एपिसोड्स आ चुके हैं और ये अभी भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 3 की ओर, जहाँ 2008 में आया सहारा वन का सीरियल माता की चौकी, जिसकी कहानी माँ वैष्णो देवी की भक्त वैष्णवी की श्रद्धा पर बेस्ड थी कि कैसे माँ वैष्णो आने वाली हर चुनौतियों में अपनी भक्त को सही मार्ग दिखाती है। पर इस सुपरहिट सीरियल के टोटल 845 एपिसोड्स आए थे। वेल दोस्तों अब हम आ चुके रैंक नंबर 2 पर, जहाँ 2009 में लॉन्च हुआ जी टीवी का पॉपुलर सीरियल अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो, जिसकी कहानी में हम देखते हैं लाली नाम की एक गरीब लड़की को, जिसे शादी के बहाने पैसों के लिए एक वेल्दी फैमिली को बेच दिया जाता है और वहाँ कैसे लाली अपने पैसों के लिए धोखे से हुई शादी के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपनी डिग्निटी और सर्वाइवल के लिए लड़ती है, हमें ये देखने को मिला। इस अवार्ड विनिंग एंड हिट सीरियल को ऑडियंस का काफ़ी प्यार मिला। वेल हम आपको बताना चाहेंगे, सीरियल अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो ने टीआरपी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो में रतन द्वारा निभाया गया लाली का किरदार अब तक रतन की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है और ये 423 एपिसोड्स के साथ ऑफ एयर हुआ था। तो दोस्तों फाइनली आएंगे रैंक नंबर 1 की तरफ, जहां 2011 में आया सीरियल नव्या नई धड़कन नए सवाल, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी कानपुर की एक मिडिल क्लास और कंजर्वेटिव फैमिली से आने वाली लड़की नव्या और एक पावरफुल रिच फैमिली से आने वाले लड़के की अनंत की लव स्टोरी पर। जस्ट लव स्टोरी पर कई चैलेंजेस आते हैं और नव्या कैसे इनसे ओवरकम करती है, यही इस लव स्टोरी में देखने को मिला। ये शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और हिट हुआ, इस शो से साहिर शेख और सौम्या ओवरनाइट टेलीविजन सेंसेशन बन गए। इन दोनों की जोड़ी को आज आइकॉनिक जोड़ी माना जाता है। इस पॉपुलर सीरियल के टोटल 331 एपिसोड दिखाए गए थे। तो दोस्तों ये थे स्वास्तिक पिक्चर्स के टॉप 15 फैमिली ड्रामास एंड रोमांटिक सीरियल्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी सीरियल्स आपको ज़्यादा पसंद आए। वेल दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत जल्द हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाएंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा रचे गए बेस्ट मैथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स की रैंकिंग को। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कुछ महीनों का वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।